डेस्टिनेशन पाओ, पूरा काम कराओ, एक नंबर का, एक नंबर। अरे भाई इसके चक्कर में खड़े हैं हम तो। अरे ट्रैक्टर का आउटपुट सुन रहा है, हो चुका है लास्ट ईयर। पाजी जो सबका क्या आना है, एक बॉडी बिल्डर अपनी डाइट और जिम छोड़ के आपके पास आया हुआ सिर्फ ये ट्रैक्टर देखने। अब बेटे 2, 4, 6, 7 सारे मेरे भाइयों को राम राम। और उस्ताद कम ने तो हद ही कर रहा है, ट्रैक्टर है हम चला रहे हैं हम पिछले 2 दिन से, जैसे एल्टो सेंटर चला रहे हैं। चलो भाई पिछले लोगों जो था ना लगाना तो सिस्टम इसमें था, लेकिन उसका क्राउड इतना ज़्यादा आ गया भाई, सारे डूब गए। इसमें हम खाली है कि एंगल वेड कर रहे हैं, वायरिंग हो गई, वायरिंग हो गई, हाँ वायरिंग हो गई और एंगल वेड हो गया। तो भाई आज जो है ना सारा काम करेंगे, चलते हैं स्टोर पर देखते हैं क्या काम हो रहा है। आप देखते हैं, मजा ही खड़ा कर रहा है, मजाक कर रहे हैं। रात को कितनी ठंड लग रही है, मारे पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़े हैं इसके। कमर में शाम को लेकर चलेंगे टी शॉप, और रात को लाइट वाइट जल गया, लग रहा है जुगनू चल रहा हो। रिएक्शन तो यहाँ पे ठीक ठाक है, गाड़ी वाले हम तो टेम्पू ने भी कुछ ना समझ रहे। अरे आंटी मर जाती है अभी, तुम किसी का साइड में ले चल रहा पागल है, नूना पता बहन चल हम ट्रैक्टर में बैठे साड़ा ले जाऊंगा अंदर ही। ओ पिंटू इसका इसका फेंडर फेंडर पेंट कर दे इसका, हाँ मेरा फेंडर टायर के ऊपर भाई। अब जो सिस्टम में हम काम करते रहते हैं वो आपको दिखाते हैं, बाकी सारे भाई आ चुके हैं जिनका ट्रैक्टर है, वो सारे भाई खड़े। अब उसमें उम्मीद है सबसे पहले हम पेटी लगाएंगे, पेटी का कनेक्शन करेंगे, फिर ओवल लगाएंगे और आपको दिखाते हैं इसकी जैसी भी सेटिंग बैठती है ना, क्योंकि सेटिंग बैठाने में थोड़ा सा दिमाग जितना लगाना, खाली सामान रखने में दिमाग लगाना कि सामान रखना कहाँ, क्योंकि गाड़ी होती तो भाई सीट के नीचे रख दो, डिग्गी के नीचे रख दो। अब जो भी इसमें दिमाग लगाएंगे वो लगाएंगे थोड़ी बहुत देर में। तो भाई पेटी का काम हो गया स्टार्ट, और पेटी के ऊपर हमने 4 ओवल लगा दिए, 4 ओवल तो यहाँ लगा दिए, 4 ओवल कहाँ लगाएगा, 4 ओवल साइडों में, दो इस एंगल पर, दो इस एंगल पर। चलो जी बाकी भाई जो ब्रिज का काम था हमारा रात को, हमने लगभग आधा से ज़्यादा काम कर दिया है, इसकी फिलहाल हम डिटेलिंग कर रहे हैं। फॉग लाइट हमने रात लगा दी, इसमें प्रोडक्ट लगा दिया आईपी क्रिस्टल लाइट के, और एम्बिएंट लाइट लाइट हमने रात ही लगा दी थी इसमें, और गत्ते सारे खोल देते फिलोस्टर से थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी वो लगा देंगे। फट्टे की वायरिंग कर दी बेटा, पीछे नहीं करी भाई, फट्टा कहाँ है इसका, पीछे लगा दिया, लो वायरिंग ये रही सारी, और ये जितनी वायरिंग आपको दिख रही है सारी नीचे हो जाएगी, तो फिर एकदम क्लीन सेटअप हो जाएगा। ये चारों सिलेंडर की वायरिंग हमारी ये रही ऐसे हो जाएगा एकदम साफ बढ़िया। गंदी बहुत कर रखी है भाई गाड़ी, और यहाँ मतलब बंडल धरा है भाई, ये भी टायर के नीचे से मिले, अच्छे इसके नीचे से मिले होंगे, कौन सा है, सुंदरी, सुंदरी पी का सुंदरी हो जाओगे। तेरा प्रमोशन होगा दिखे, प्रमोशन हो गया, डिटेलिंग सीख गया ना, था मशीन चलाने सीख गया है हमारे पास रह के, कुछ तो सीखे, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, काम होता रहेगा। लेकिन हमने जो पिल्ले पाल रखे ना, देखिए ए ये रे पिल्ले, बेटे खड़े हो जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा बेटे आ जा, अब बेटे 2, 4, 6, 7 7 7 रे कैसा करोगे अब, मेरे ऊपर चढ़ोगे बेईमान, अभी तो मैं बिस्कुट खिलाऊंगा बेटा, रुक जाओ शाले, अब बेटे नींद खुल गई। ओ यू एस ऑफ सिर यू फैन तो पूरा हाथी है यू, और सबसे कमजोरी है इसमें ये बेटे, यू घने कमजोरी, सबसे लेट पैदा हुआ इसका मतलब, सबसे पहले यू पैदा हुआ, साड़क तेरे नाड़े बेटूंगा साड़ा पेल दूंगा तेरे बेट। और जो डिस्कशन चल रहा है भाई, अब चल रहा है इसका टच का, टच बाहर लगाएंगे तो इन्हें खतरा है कि चोर ले जाएगा, अंदर लगाएंगे तो ये खतरा है कि आवाज़ कम ज़्यादा कैसे करेंगे। तो भाई अब सारे दिमाग लगा रहे हैं कि टच कहाँ लगेगा, बाकी देखते हैं। एक ब्रिज आई है हमारे पास ऑडियो सेटअप के लिए, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो है ना मैं दिखाता हूँ आपको, वैसे मैंने तो देख ली, इसमें भाई ने ना बेड बिछा रखा बहुत तगड़ा, मतलब मुझे लगा ऐसा बेड आपने आज तक देखा ही नहीं होगा, ना मैंने देखा, देखो अगर
लो जी भाई ये रहा बेड, यू रहा बेड, बेड यू हमारा बेड, बहुत तगड़ा भाई। मुझे बढ़िया से जब मैंने शोरूम देखा है। बाकी जो अलॉय है ना भाई, बाई ने लगा रखे हैं 18 इंच, और टायर साइज भी अच्छा लगा रखा है, 245 45 18, मतलब थोड़ा सा चौड़ा भी है और थोड़ी सी इसकी मोटाई भी अच्छी है, तो चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी ले जाओ। जितनी भी ओवल की वायरिंग ना हमने सब अंदर अंदर डाल दी, इसके अंदर फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर, और यहाँ पर जितनी भी तार है ये सब स्लीव्स में चली जाएंगे, फिर चली जाएंगे पीछे पीछे ताकि तक कोई तार दिखे ना, क्योंकि तार तो भाई बहुत सारे हो जाएंगे। 4 ओवल ही है और 4 ओवल अलग हैं, तो 8 ओवलों की तो तार भाई वो तो ठीक ठाक दिखेगी। देखो इसमें सही बात तो ये है, अंदर की बात नहीं बतानी होती ये शहरी भाई को, मैंने सब पता है। तुम ऐसा कर लो एक दुकान खोल लो अपनी, सपोर्ट अगले साल बात करेंगे। मुझे लगा 8 8 पेड़ का शहरी आते होलसेल की, उसने पूरे के पूरे दे दिए, बजाते रहो मोटर वाला मजबूत है उसका, बहुत सारा सामान लिया हमारा, 1 2 3 4 4 सेट ऐसे से क्या नहीं हो सकता दुनिया में, ये बात भी ठीक है। अरे भाई हम क्यों हंस रहे हैं बताओ भाई, बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है, भगदड़ हो रही है भाई, भगदड़ देखो, बस मेरा काम हो जाए मैंने भी, तुम्हारा काम नहीं होगा। देखो खुली बढ़िया गाड़ी पूरी था अपने भी खुली खुली बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, थार आ गई, हाइडन आ गई, बाइक हमें खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, ब्रिजा खड़ी है, रेंज रोवर खड़ी है, वहाँ एक स्विफ्ट खड़ी है, पोलो तो अपनी घर की गाड़ी है भाई। अब ये सारा जितनी भी गाड़ी है ना सब में काम हो रहा थोड़ा थोड़ा, पर उस्ताद भड़क रहा है उस टाइम। देखो जब ट्रैक्टर सिस्टम तो भाई वो हो गया सेट, मोनो लगा देंगे दोनों ऊपर, मोनो करो चार जनर, अब तो बोला भी जा रहा, भड़कता हमें भी हो रही है, रात बहुत लंबे, सही बात है। हाँ सही बात है, रात तो बहुत लंबे, कहाँ दिक्कत है, लग रहा रात को नाइट मारेंगे, एक ब्रीफ आ जाएगी थोड़े बहुत देर, हाँ थारू कर जाम लगा दिया भाई आज तो गाड़ियों ने, आज तो बहुत लंबा, अब तार हटेगी जब जाके जाम खुलेगा। बाकी भाई अपने ट्रैक्टर काम लगभग लगभग थोड़ा बहुत कंप्लीट है, ओवल लगा दिए, तीनों एम्प लगा दिए, चारों ओवल साइड में लगा दिए, वायरिंग हमारी ये भी आर सी डी डेरी टच की आर सी डी हो रही, और सारी आर सी डी नीचे आके ऐसा, चलो जी बैटरी रखी जा रही फाइनली, तेरी सेट रखी जाएगी ऊपर, नहीं तो ऐसे तो खराब हो जाएंगे, इसके ऊपर कुछ लगेगा मौसम खराब हो रहा है तो कुछ रखेंगे कहाँ, पता मुझे ये इसके सारे एम्प इधर क्यों कर दिए, अभी तो नीचे कर रहे थे क्या एम्प, सारे एम्प यहाँ क्यों कर दिए, यहाँ सब जगह छोटी पड़ रही थी, अभी तो दो कर रहे हैं, अब कुछ ज्यादा हैवी सिस्टम वाला देख लो जी भाई। तो तीनों भाई पहले जो एम की प्लेसमेंट थी ना भाई वो नीचे करनी थी हमें, यहाँ पे मुझे लग रहा हो सकता है जगह ना हो या कोई दिक्कत आ गई इसलिए हटा दिया हो, तो 2 ओवल इधर लगा दिए, 2 उधर और 4 ऊपर लगा दिए, उसकी जो वायरिंग है स्पीकर की वो सारी है यहाँ से यहाँ आ जाएगी ऐसे, वहाँ से वहाँ आ जाएगी ऐसे, मोनो की जो वायरिंग है वो नीचे से आ जाएगी और स्पीकर वायर जो है वो नीचे से यहाँ चली जाएगी बस, और ये जो पेटी है ना भाई पेटी कसी जाएगी बोल्टों पे, यहाँ पेटी इस होल में इस होल में, तो 3 4 होल बोल्ट लग जाएंगे 112 नंबर के, बढ़िया हो जाएगा काम, फिर हटेगी नहीं, और अभी जब ये सिस्टम लग जाएगा उसके बाद भाई इसमें वेल्ड कराएंगे पट्टियाँ से ऐसे करके ऐसे और बिल्कुल ऐसे ताकि ये बिल्कुल हिले ना। तो भाई ब्रिजा का जितना भी काम था लगभग लगभग हमारा सारा कंप्लीट हो गया, खाली एक लास्ट काम चल रहा है बूफर का, बूफर फिट का, बूफर फिट हो जाएंगे, एमएम फट्टे फट्टे हमने सारे लगा दिए, सारा वायरिंग कर दी, देखो अब पीछे फट्टा लग जाएगा, बूफर की पेटी लग जाएगी, काम खत्म, फिर आपको सुनाते हैं इसका आउटपुट, बहुत खतरनाक क्योंकि इसमें एक इंटरफायर डाला हमने नया, क्योंकि मोको भाई के पास था और वो छोटा जो ब्लो पंख का एम्प है वो भी भाई के पास था, तो एक इंटरवायर में 4 सिलेक्टर डाली है और 2 बूफर बाइक ऑलरेडी पहले थे, बस यही काम करा है, बाकी तो छोटा मोटा काम बहुत सारा करा, जैसे एम्बिएंट लाइट लगाई थी, डिटेलिंग करी थी, प्रोजेक्टर लगाए थे, एक दो काम और था जो भी करे थे, बाकी काम हो जाता भाई उसके बाद दिखाएंगे आपको। भाई फाइनली जो है ना अब हो रही है एम्पो की सेटिंग, देखो लाइट वाइट हमने ट्रैक्टर की सारी जला दी है सर, ऐसी सेटिंग आज से पहले भी करी कभी है चाहूँगा और ऊपर करवा लिया, चलो इसकी आवाज़ सुना था भाई एक बार,
व्हाइट टच देखो हमारा हो रहा है, वो टच में उसके ऊपर लग जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा बंद तो बैटर हो जाएगा क्यों, क्योंकि बार बार निकालने पाने में जो वो दिक्कत हो जाएगी भाई, इसलिए परमानेंट हो रहा है लॉक के अंदर। वैसे अच्छा ये था, दिखता तो ज़्यादा बेटर लगता लेकिन दिखेगा नहीं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, रिमोट से काम चल जाएगा उसका। तो देखो बहुत बड़ा भाई, सारे भाई सुबह से हमारे साथ जो तो कलर कर रहे हैं, मुफ्त पे एक आध मिनट में आपको आवाज आ जाएगी इसकी। क्या चीज दिए थे, हो गया क्या चीज दिए थे उनको, किसको भाई को, राजू को, हाँ चाय के लिए हो गया, हाँ अरे कॉफी दिया था, बुला रहे हैं ऋतिक कॉफी लिया बेटा मेरी, चलो उस्ताद फटाफट सुना था यार, बहुत देर होगी हमारे साथ सेटिंग खत्म ना हो रही। तो ट्रैक्टर कैसा लग रहा है, ट्रैक्टर पता पहले कैसा लग रहा, क्या जी ट्रैक्टर कैसा लग रहा, सही है बढ़िया, तुम्हारे द्वारा है ट्रैक्टर, हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास है ही नहीं, अरे कुछ तो होएगा, नहीं है साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी जहाज कुछ नहीं, तुम कुछ भी ना, तो मेरे जैसी हो फिर मुझसे भी ना कुछ, चलो जी कर दो फटाफट सेट। हाँ जी कैसे खड़ा हो सुबह से, कुछ काम है हिला है क्या है, अरे भाई इसके चक्कर में खड़े हम तो, अरे ट्रैक्टर का आउटपुट सुनना है, ओ बजेगा भाई बजेगा, बहुत बढ़िया, ये कुछ ज्यादा तगड़ा ना बजा भाई, बहुत तगड़ा है ना, अभी तो आवाज ही नहीं कान में। अब बेटे भाई पब्लिक रिएक्शन भी बहुत तगड़ा है, जितने भाई खड़े हैं सब दूर दूर से देख रहे हैं, बूफर खेड़ा नहीं खेड़ा, अभी नहीं खेड़ा, ये खाली वो ओवल बज रहे हैं, ओवल में साले वेव दे रहे हैं, यो 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 और कर दो ना एवी तेरा सत दे नालियां नी ओ शूर सच दे तना दे कक्के कन्नी बात ये जट दे मुंडे ने मोड़े चिट्टे कुड़ियां गाऊं ने गड्डियां कालनी ताजा मारा येरा बॉस के अंदर फिट हो जाएगा, ताला लग जाएगा काम खत्म, मेरा पंखा बेस कंट्रोल, अब सारे भाई वोकल और बेस सुन रहे हैं, मुझे तो कर गया, मुझे तो भाई ऐसा है, मुझे तो आज पड़ रही है गाड़ी के बेस, तो मेरे को तो ये दो दो तक मिल गया, भाई मौज कर दे ट्रैक्टर में, मतलब पहली बार सिस्टम लगा ट्रैक्टर में पास हो गए भाई, बहुत बढ़िया आउटपुट आ रहा है, मतलब बेस तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा मुझे ये, मतलब जो अपने लेवल सुनते हैं जैसे हम सुनते गाड़ियों में तो उस टक्कर का तो भाई नहीं है, लेकिन जैसे ओपन में बज रहा है खुले में तो भाई आवाज़ अच्छी आ रही, बेस भी फील हो रहा भाई सामने खड़े होकर, और जो वहाँ बैठा ना स्टीयरिंग पे उसकी तो कानों पर भर भर हो रही है भाई, बहुत तकड़ी मतलब वहाँ तो बहुत तगड़ा बेस है, क्योंकि इसका एयर पास है भाई, एयर पास भी पेटी के सेंटर में, तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा देखने में। तो भाई एक बार ना अपने मेरठ वाले भाइयों को सिस्टम सुनाते हैं भाई, बढ़िया बजेगा देखो, उम्मीद है बढ़िया बजेगा, बजना चाहिए ना, बढ़िया ही बजेगा, हल्का सा डेमो देंगे पहले, फिर ऐसे मत कहने लगा ना हम ट्रैक्टर का ना बज रहा, ना ना हां सीधी सी बात है, कोई बात नहीं ट्रैक्टर का बढ़िया ना लगा तो इसे ना ले जाएंगे, ये बात है अभी वीडियो में तो हम खुद ही डर गए, बताओ
दस का तो रोक है लेकिन हमारे 50% तक है इतना तो भाई मौज कर 5 लाख रुपए का भाई सिस्टम आओ लेकिन फिर भी डेग नु करा की यहाँ से कम कर ले बेहा पड़ रहा होगा रवि भाई राम राम जी ठीक हो बढ़िया बढ़िया भाई एक बार दोबारा रवि भाई हमारे साथ जुड़ गए और भाई भी आए भाई साहब भाई न्यूजीलैंड से सीधा अच्छा न्यूजीलैंड से सिस्टम लगाना भाई गाड़ी में भाई सिस्टम लगाएंगे फिर भाई ये बताओ ट्रैक्टर कैसा लग रहा है ट्रैक्टर जबरदस्त है भाई बढ़िया दो तीन दिन से देख रहे आपकी स्टोरी देख रहे हो बहुत बढ़िया भाई अभी सुनाऊंगा भाई अभी तो पता नहीं क्या चला रहा है अब हमारी थार में भी कर दो भाई क्या करवाने में बताओ सिस्टम अपग्रेड कर दो आप थार में फ्रीजर का 50% कर दो बस अरे तो मैं जा ही नहीं ना 100 में जा रही हूँ देखो बढ़िया बहुत बढ़िया भाई तुम आ जाए करो हफ्ता दो हफ्ता में आ जाए करो मजा कट गए तुम्हें बालक भी याद कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम करते रहे करो आ जाओ और बोलो आ जाएगा फिर जिम करके सीधा यही आ जाओ रोज सुबह और रात को चले जाओ जाग से हटके हम आए हैं ट्रैक्टर देखने अच्छा आपने पंजाब वाला ट्रेंड यहाँ नोएडा में ला दिया मैं भाई बिल्कुल ये अपने पंजाब में देखे थे भाई वीडियो में वो भी भाई दिल्ली इंतजार में कोई करता ही नहीं है दिल्ली इंतजार में कोई करता ही नहीं आपने तो पहला ट्रैक्टर देखा भाई वो भी मुझे लगा नोएडा में भी हमने पहला ट्रैक्टर जो तैयार करा स्पेशली यही देखने आया देख लो डाइट एक बॉडी बिल्डर अपनी डाइट और जिम छोड़ के आपके पास आया हुआ सिर्फ ये ट्रैक्टर देखने भाई ये तो प्यार मोहब्बत है आपका जो आप आ जाते हैं हमारे पास भाई कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है हो गया काम भाई यही सारे भाई थोड़ी देर पहले थे अब दोबारा मिला लिया मैंने तो काम भाई हमारा लगभग लगभग सारा खत्म हो गया और रवि भाई हाँ जी ये क्या करवा दिया थार में अपने में क्या आपकी थार है जो आप फोन पे बोलते हो करवा लो हम करवा लेते हैं देखो अब आपकी जिम में एक दिन रखो दो दिन रखो जो कराना करा लेना कोई दिक्कत नहीं भाई देखो रवि भाई ने इतने ऐप कर रहे हैं आजकल ये टैग चौड़े था पहले ही इनके फेंडर लाइन और हटा दी अब ये 33 से 35 कर दिए तुमने गाड़ी साफ करता बहादुर भैया हम साफ नहीं करेगा रोज गंदा होता है तो बेटा अब तो तू डेली साफ करेगा पहले तो हफ्ते में एक बार करता अब डेली करेगा देखो भाई पिछला टायर देखो कितना बाहर है और अगला तो भाई मुझे लग रहा दिखा 5 उंगली बाहर है पीछे वाले में 2 इंच स्पेशल लगा रखे प्रोमैन के अच्छा जो पुराने वाली थार है उसमें आगे वाला बाहर होता है पीछे वाला अंदर होता है तो आप देखोगे तो दोनों लाइन में है दोनों सेम भाई बिल्कुल बिल्कुल दोनों लाइन में मजा आ रहा है चलाने में जबरदस्त पूरा डीजे बजा रहा है डीजे भाई अब जो है ना ब्रिज अंदर जाएगी इसमें ऑडियो सेटअप लगेगा और इसका भी काम भाई बहुत जल्दी आपको सुबह मिलेगा देखने के लिए बाकी भाई अब चल रहे हैं हम अंदर टी शॉप पे वहाँ कॉफी वॉफी पिएंगे खाना वाना खाएंगे फिर उसके बाद चलेंगे भाई घर लो जी भाई अपना भी जहाज आ गया देखो जब तुम पहली बार आए थे इसमें 2 बूफर है अब इसमें 3 है और जब पहले बार आए थे जब 4 स्पीकर थे और अब है 10 स्पीकर तो खतरा बरकरार है पूरा पूरा बरकरार है देखो भाई की सर्जरी भी हो रखी है ध्यान हाँ, अगर टारगेट को खुल जाए जल्दी का टारगेट होंगे खुल जाए पेस भाई स्लोप से ऊपर जाएंगे चलो अभी हल्का सा टाइम होगा ज्यादा टाइम होगा दिक्कत नहीं ना धीरे-धीरे बढ़ाते हुए चलिए और डेमो पूरा दे दो अभी तो पूरा नहीं चला सुन लू आप ही आ जाओ मैं भाग रहा हूँ उस्ताद रवि भाई का फेस भी लाल हो गया भाई सच्ची में भाई बांग चारों डायरेक्शन से हवा लग रही है बांगड़ा काम हो गया ना तो आगे गिर रहे बैंड मजा नहीं आ रहा क्यों हो रहा है सीढ़ी सीढ़ी बोल
और अभी भाई मजाक सट के हकीकत में मंदा बजा रहा था, गेन कम कर रहा था हाँ ये मंदा था, इतना कर दो मेरी गाड़ी में रे मैं बताओ रे भाई बजट ज्यादा है नहीं, हाँ ब्रीदा जैसे सिस्टम ये स्पीकरों से ब्रीदा जैसे आवाज आ रही मेरे ख्याल से आपके वहां के कबाड़ी की गाड़ी में भी इससे अच्छा सिस्टम होगा जो हम लेके आए लगाने रवि भाई कह रहे हैं अभी ऑफ कैमरा कह रहा प्रत्येक एक बार डिग्गी खोले चलो जी अब पार्टी जा रही है नाश्ता करने, देखो सारे भाई बैठ गए जितने भी है, रवि भाई को खड़े हाँ जी चलो चलो तुम ट्रैक्टर पे चलो हम तो अपने जहाज में आएंगे खड़ा हमारे जहाज चलो ओके डार्लिंग चलो खत्म भाई। देखो अब सारा काम वाम खत्म और सारे भाई अभी हमारा राशन बन रहा है, राशन आएगा हाँ, और ये सारे भाई बैठे हैं। समझ को बहुत भूख लग रही है, पिछले 3 दिन से भूखा है आदमी, तो चीज खाने नहीं आया हमारे पास नहीं लाइट लगवा स्टोरी क्यों ना रुके स्टोरी क्यों ना रुका तब हमारे गल क्यों आए बेईमान झूठ बोला है रवि भाई खाते हैं चिकन सैंडविच रोस्टेड वाला, मुझे आज पता लग गया हर 2 घंटे में चाहिए 2 घंटे में चाहिए और मेरा भाई खाता चीज सैंडविच खत्म हो गया क्या अरे उस्ताद तुम्हारी बीड़ी खत्म होगी ये नहीं कटेगा ध्यान रखो भाई ये नहीं कटेगा नहीं ये कटेगा ही नहीं जब पता है ब्लॉग बन रहा है कैसे जो चॉकलेट ना हो पांच वाली मंच अरे तोड़ो यार टांग में हिरन बला भाई यहाँ पर नहीं आए रात में ही भाई रात में आए थे भाई पिछली बार भी बर्बाद हो जाओगे जो चला के लेके जाएगा ठंड में चले गाँव में सही 2 बजे 3 बजे तीन बजे चले हम यहाँ आके लगे 9 बजे 3 घंटा 6 घंटा हो गया वकील साहब केस करोगे अरे मैं तो आजकल व्लॉगर बन गया तो मुझे घंटा पता ही ना हमें तो अपने ऐप लगे हाँ हमें खाली बहुत टाइम दिखता है घंटा कुछ नहीं पता भाई मजाक काट के बहुत तगड़ा होगा तुम आवाज कम कर दी अंदर बहुत बढ़िया बहुत हो जाओगी बहुत बढ़िया बहुत बेस भी अच्छा रहा और अभी तो नए बुखार है दूर है फिर भी तगड़ा बज रहा है आवाज भी एकदम साफ है बहुत तगड़ा बज रहा भाई हमें तो उम्मीद नहीं थी कि जो लोग इंस्टाग्राम पे नए नए चावल सिस्टम कर रहे हैं अब कर दो होल्ड भाई अपने ट्रैक्टर वाले जो ब्लॉग था वो पूरा करते हैं उस्ताद अगर ऐसा काम कराना है ये वैसे मुझे लग रहा है हमने पहली बार ट्रैक्टर करा जब हमने तो पहली बार करा हम तो कह रहे हैं ब्लॉग में भी हाँ जो करा तो करा है करा तो अलग चीज है लोग कराते भी नहीं और मेरे को तो भाई हो तो पता नहीं क्लेम नहीं कर रहा लेकिन मेरे नॉलेज में कोई बंदा नहीं है जो घर में सेटअप लगाता है और ट्रैक्टर के अंदर लगाए हो तो भाई कमेंट बता देना 2000 पूछ ही लेंगे आपसे बिल्कुल सही बात है ज्ञान लेने में तो मजा आता है देने में मजा आता है और बाकी किसी को अब हमने कर लिया भाई अब फुल कॉन्फिडेंस है किसी को कराना और ट्रैक्टर में कैंटर मेरे मेरे वाले भाई बागपत वाले भाई नोएडा के ग्रेटर नोएडा के बहुत आदमी ऐसे हैं जो ट्रैक्टर में सिस्टम लगवाना चाहते हैं लेकिन हर एक आदमी मेरठ के तो मशहूर है मेरठ के तो मशहूर ना हरियाणा जाना चाहता और ना वो पंजाब जाना चाहता तो भाई आप नोएडा में आ जाना नोएडा में आपका सेटअप बहुत अच्छी तरह से दे देंगे अच्छे पैसों में बहुत अच्छे और ब्रांड अगर भाई देखो बुरा मत मानना जैसे जो आपके लोगों ट्रैक्टर दुकान में जो कॉलम लगाते हैं ना वो लोग हम नहीं लगाते हम कार ऑडियो का ब्रांड में ही डील करेंगे हमारा वो नहीं हो पाएगा कि 20,000 में 30,000 में जो पेटी बनी बनाई लग जाती है आप क्वालिटी चाहते हो अच्छे ब्रांड चाहते हो आप आओ और वी आर रेडी टू सर्व यू और आपको आना होगा C12 Sector 10 नोएडा और कॉन्टेक्ट नंबर है 8929280060 तो भाई अपने ब्लॉग को करते हैं ब्लॉग अगर आपको कहीं भी अच्छा लगा कहीं भी हंसी मजाक हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने कमेंट करना कि उन लोगों से ट्रैक्टर दूंगा हाँ ये बात है तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग तब तक ले रहा हूँ जय बाबा।